मुंबई के बांद्रा में अभिनेता जहांगीर खान की सुपर ह्यूमन संस्था की टीम द्वारा पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान सभी लोगों ने सुपर ह्यूमन यूआर के नारे लगाए। उन्होंने बताया कि लगभग 10,000 लोग सुपर ह्यूमन की संस्था से जुड़ चुके हैं। सभी टीम के लोगों ने मिलकर सुपर ह्यूमन की तरफ से प्यार बांटने, जाति भेदभाव, सच्चा सोचो अच्छा सोचो आदि ऐसे संदेश लोगों तक पहुंचाए। मेरा नाम खान जहांगीर खान है और मैं एक एक्टर हूँ और ये सुपर ह्यूमन संस्था जो है इसका फाउंडर हूँ। ये कॉन्सेप्ट मेरे जहन में तब आया था जब मैं एक प्रोग्राम देख रहा था डिस्कवरी पे जिसका नाम था सुपर ह्यूमन, जो स्टैनलीज का सुपर ह्यूमन आता है कि वो जो जब मैंने देखा ना वो प्रोग्राम के मतलब इतने सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर ह्यूमन जिन्होंने वर्ल्ड में बहुत बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिनीज बुक के रिकॉर्ड तोड़े हैं तो उन ह्यूमंस की बनावट में और हमारी बनावट में कोई भी फ़र्क नहीं है। ब्रीथिंग कोई फ़र्क है बट उन्होंने जो वो रिकॉर्ड तोड़े हैं, अब समझ लीजिए कि एक इंसान ने अपने जॉ से पूरा जंबो जेट खींच दिया या एक इंसान ने उंगली मार करके नारियल तोड़ दिया या बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ रिकॉर्ड बनाए हैं जो बहुत सारे मॉन्क हैं, चाइनीज मॉन्क हैं, इंडियन मॉन्क हैं, इवन इंडियंस भी हैं कुछ सुपर ह्यूमंस जिसमें एक तो वो इलेक्ट्रिक मैन है और वर्ल्ड वाइड एक हॉप करके हैं जो सुपर ह्यूमन जो मैक्सिमम मतलब टेम्परेचर मतलब मिनिमम टेम्परेचर में रह सकती है -40 डिग्री कोल्ड में। विन हॉप करके उनका नाम है, वो सुपर ह्यूमन है। -40 डिग्री कोल्ड में वो स्विमिंग कर रहे होते हैं पानी के अंदर, तो उनको देख करके मुझे लगा कि हम सब की बनावट तो सेम है, तो हम लोग शायद नेगेटिविटी ज़्यादा रखे हुए हैं। अभी अगर आप देखें पूरी दुनिया के अंदर, जापान में भी लोग रह रहे हैं, चाइना में भी लोग रह रहे हैं, हर जगह रह रहे हैं, बट मेंटली वो लोग सुकून से रह रहे हैं। एक मतलब एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमंस की रिस्पेक्ट कर ही रहा है, करेक्ट, बट यहाँ पे जात से मान रहे हैं कि जात क्या है, धर्म कौन सा है और कपड़े किस तरह के पहने हुए हैं, ब्रांडेड है या नहीं है, ये सब चीज़ें जो हैं हम सबको एक दूसरे से जुदा करती हैं। काम कौन कर रहा है, कौन सा कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि जो सफाई करते हैं वो सबसे बेहतरीन काम करते हैं, क्योंकि सफाई करना तो चैरिटी है। लेकिन हम उनको अगर मान लीजिए अपने साथ थोड़ा कहीं ना कहीं लोग ऐसे हैं कि उनको अवॉइड करते हैं, तो जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं उनको इंडिया में बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट है और जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं जैसे कि मतलब ये समझ लीजिए सामान बेच रहे हैं, दूसरों का माल बेच रहे हैं, शराब भी बेच रहे हैं, ये सब चीज़ें नेगेटिव जो कर रहे हैं उनको मतलब एकदम सेलिब्रिटी का नाम दे दिया जाता है। तो सेलिब्रिटी तो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, जो मतलब हमारे लिए घर बना रहे हैं, सोचिए उनके लिए घर नहीं होते, तो हम सब एक्चुअली में एक ही हैं, कोई भी फर्क नहीं है। वी आर वन, आर मेकर इज़ वन, यही मेरा कॉन्सेप्ट है। और ये बाकी के जो तो सुपर ह्यूमन है जैसे निकिता सुपर ह्यूमन है, इनको थोड़ा लाइट में लाइए, थोड़े लाइट दीजिए इनके फेस को, इधर 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 फ्रेंड्स। तो ये फर्स्ट फीमेल सुपर ह्यूमन है। जब हम वहाँ पे अपने ऑफिस में अकेले बैठे रहते थे तो हमने इनको बताया था कॉन्सेप्ट के ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है और इन्होंने कहा कि हाँ देर इज समथिंग यू आर टॉकिंग अबाउट विच इज़ वेरी पॉजिटिव, अगर ये चीज़ फैलेगी तो श्योरली देश का भी और पूरी दुनिया का भला हो सकता है। बट वाकई में मुझे ऐसा लगने लगा है कि अभी ये जैसे जिस तरह से इतने खूबसूरत गॉर्जियस फीमेल्स हैं यहाँ पर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीमेल्स हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेल्स हैं, सुपर ह्यूमन हैं सबके साथ, हम तो एक्चुअली में जेंडर बायस वाली भी बात नहीं करते। तो ये फीमेल सुपर ह्यूमन, फर्स्ट फीमेल सुपर ह्यूमन निकिता बताएंगी आपको कि इन्होंने क्या समझा है और इनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हैं।
मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि कोई भी हम में से जुदा नहीं है, सब एक ही तरह से हैं, बट हमारी मेंटेलिटी ने ही एक दूसरे को दूर कर रखा है हर चीज़ में। मतलब ये सोचते हैं अरे ऐसा क्यों, ये अगली लग रहा है या ये गोरा है या ये सेलिब्रिटी है, ये सारी चीज़ें फॉरगेट कर देनी चाहिए, नेगेटिविटी वाली चीज़ें हैं ये, और हमेशा पॉजिटिविटी को ज़्यादा मायने देना चाहिए। हमारे सुपर ह्यूमन का एक बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है कि इंसान को पॉजिटिव होना सिखाता है, और ये मेरे साथ तो बहुत अच्छे से हुआ क्योंकि मैं सर के कनेक्शन में जब आई, पता पड़ा, सर ने मुझे बताया कि बहुत अच्छी चीज़ मैं सोच रहा हूँ, क्या मैं राइट हूँ या रॉन्ग हूँ, हम तीन चार फ्रेंड्स थे उन्होंने सोचा, तो सबको ये एग्री होना ही था क्योंकि ये है ही अच्छी चीज़। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो सुपर ह्यूमन हैं बट नहीं जानते, लोगों की ऐसे मदद कर रहे हैं लोग बाग, लेकिन जो मदद कर रहे हैं वो सुपर ह्यूमन हैं अपने आप में क्योंकि वो भलाई का काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरों का चैरिटीज़ में काफ़ी मनी डोनेट करते हैं और हाथ पैरों से भी सेवा करते हैं, धन से भी, सब तरह से करते हैं, तो वो अपने आप में सुपर ह्यूमन है, तो उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। हर एक के अंदर सुपर ह्यूमन है, उसको छुपाए नहीं, आप निकालें आगे, जिसके अंदर जो हुनर है उसको बहुत आगे तक ले जाएं, क्योंकि वो इंसान को सुपर ह्यूमन बनाता है। और लोगों के लिए भलाई रखे, ईमानदारी रखे, प्यार दे लोगों को, और बहुत अच्छा सोचे सबके बारे में, खुद के बारे में भी और पूरी फैमिली के बारे में भी, अपने सराउंडिंग जो लोग हैं उनके बारे में। घर पे बैठ के क्या करूँ, तो यहाँ पे आना मुझे ऐसा लगा कि नहीं आना ही चाहिए, और आके मुझे काफ़ी खुशी हुई मुझे कि ये अच्छा हो रहा है और अच्छा हुए, पूरे हिंदुस्तान में हुए, और हम पहले सब बजू और सबको समझाएं कि भाई ये चीज़ करना चाहिए हमें। और यही मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि जो मकसद है हमारा सुपर ह्यूमन चलाने का, हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया को, हिंदुस्तान को ही नहीं पूरी दुनिया को एक कर ले। और कैसे करें, कैसे करें, अपनी सोचों से। जब हमारी सोचें अच्छी हो जाएंगी तो इंशाल्लाह हम सब एक हो जाएंगे। और लोगों की मदद करना, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि मतलब जो जहांगीर ने मुझे बताया कि आप जो सोचो, अगर आप कॉन्फिडेंसली पॉजिटिवली, मतलब पॉजिटिवली किसी चीज़ को कन्वे करते हैं, उस पर फॉलो करते हैं, तो वो चीज़ होने लगती है। हमारी कोशिश क्या है कि हर आदमी एक दूसरे से मोहब्बत से मिले, मोहब्बत की बात करे और सिर्फ मोहब्बत ही फैलाए, यही है सुपर। हमारा दिमाग जो है वो एक चुंबक की तरह है, हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें हमारी तरफ आकर्षित होगी, हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिविटी हमारी तरफ आकर्षित होगी, इसीलिए हमें पॉजिटिविटी रखना है। और शुरुआत कभी भी कोई भी काम की घर से करनी चाहिए, घर की लेडी पॉजिटिव रहती है, घर का वातावरण पॉजिटिव रखती है, ना हसरत से मिलती है ना नफरत से मिलती है, ना हसरत से मिलती है ना नफरत से मिलती है, ना कसरत से मिलती है ना फितरत से मिलती है, ये वो खुशी है जो खुद के अंदर से मिलती है। और हम यही काम कर रहे हैं, खुद को खुद से पहचान करवा रहे हैं, खुद की खुद से पहचान करवा रहे हैं। हम लोगों का ग्रुप जो है सुपर ह्यूमंस इंसान के लिए है, जो आपस में प्यार करना, प्यार दो प्यार लो, इंसान से ही थ्रू रखा गया है कि सुपर पावर इंसान के अंदर छिपा हुआ है, अगर जगाना हो तो हम लोगों में प्यार करो और उन्हें समझाओ कि हमारा मैसेज है। मेरे बैनर उठाया है, स्माइल इज अ चैरिटी सो स्प्रेड हैप्पीनेस। तो मैं एक गजल आपको सुनाती हूँ, थोड़े चंद अशार, कि जहाँ में मुस्कुराना सीख लो तुम, जहाँ में मुस्कुराना सीख लो तुम, दिलों से दिल मिलाना सीख लो तुम। वाह, न जाने कब कटे सांसों की डोरी, न जाने कब कटे सांसों की डोरी, किसी के काम आना सीख लो। और आगे कहती हूँ, दुआ बन कर के गूंजे हर जुबान से, दुआ बन कर के गूंजे हर जुबान से, कोई ऐसा तराना सीख लो तुम। सुपर और जहाँ में कोई भी दुश्मन नहीं हो, सभी से दोस्ताना सीख लो तो, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड कलर। हमारे वेद का सारे ये वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी दुनिया है वो हमारा कुटुंब है, फैमिली। सो whoever, irrespective of color, caste, creed, सब हमारे भाई बहन है, इवन एनिमल, सो यू मस्ट लव एनिमल ऑल्सो। सो कंपेशन, प्यार, करुणा, ये दिस इज अ मैसेज ऑफ सुपर।